हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने इस पाठ में ये जाना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम में रहते थे, अध्यापन कार्य करवाते थे। साहित्यिक जीवन में उनके जो बदलाव आया वो गुरुदेव की वजह से ही आया। तो वो जो है इस पाठ के अंतर्गत अपने जीवन के उन अनुभवों को, उन बातों को, उन यादों को बता रहे हैं जब वो शांति निकेतन में थे। साथ ही उन्होंने गुरुदेव के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि उनका जो व्यक्तित्व था वो विराट था, उनकी जो अंतर्दृष्टि थी वो अद्भुत थी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो लेखक ने कहा कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो वो शांति निकेतन से श्री निकेतन जो 3 मंजिला है उसके ऊपरी हिस्से में जाकर रहने लगे। शरीर कमज़ोर था तो बड़ी मुश्किल से उनको जो है वहाँ ले जाया गया। कारण लेखक को पता नहीं है कि कारण क्या रहा, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था या उनका मन था या वो थोड़ा एकांत चाहते थे। उन दिनों आश्रम की छुट्टियां भी थी, वे सभी लोग जो है अपने घर गए थे। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। लेखक को अधिक समय नहीं हुआ था, वो गुरुदेव से इतना नहीं मिलते थे। तो लेखक कहता है उन दिनों छुट्टियां थी जब गुरुदेव श्रीनिकेतन गए, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन, अब देखिए दर्शन शब्द पे गौर करना, दर्शन का एक मतलब होता है देखना, ठीक है। सामान्य अर्थ क्या होता है? देखना। एक दर्शन का मतलब होता है जो है जो दूरगामी सोच है, भविष्य की सोच है, उसका मतलब भी दर्शन होता है। दर्शन को मैं यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ। लेखक ने पहले कह दिया कि भाई ये जो दर्शन शब्द है ना, मैं इसको दर्शनीय विशेष तौर से जो है इसके बारे में बता रहा हूँ। उसका कारण ये है, क्यों दर्शन शब्द पर जो है विशेष क्यों कुछ कहना चाहता है, क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, कौन? लेखक जब गुरुदेव के पास जाते थे तो प्रायः वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है गुरुदेव के पास जाते थे, जैसे कोई मिलने वाला आया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते थे गुरुदेव से कि गुरुदेव कोई दर्शनार्थी आया है। अब चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हिंदी भाषी थे और शांति निकेतन जो है बंगाल में, गुरुदेव जो है अच्छी तरह से बंगाली जानते हैं, तो लेखक ने क्या है बंगाली भाषा सीखी। तो उस समय उनकी जो भाषा थी पुस्तकीय थी और गुरुदेव तो जो है अच्छे जानकार थे। तो जब लेखक जो है ये कहता था कि गुरुदेव जो है कोई व्यक्ति जो है आपके दर्शन के लिए आया है, तो गुरुदेव ने क्या है इस शब्द को पकड़ लिया। तो जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरुदेव के पास जाते थे तो गुरुदेव जो है मजाक के रूप में, विनोद के रूप में लेखक से क्या कहते थे, दर्शनार्थी है क्या। भाई जैसे मान लीजिए हमारे आस पड़ोस में कोई अंकल आंटी रहते हैं और अक्सर वो है चाय चीनी शक्कर वगैरह कुछ मांगते रहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या लगता है कि यार ये जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मांग नहीं आते हैं। तो मान लीजिए किसी दिन वो वैसे ही आए तो हम क्या कहेंगे, हाँ जी आंटी जी क्या चाहिए, यही कहेंगे ना। क्यों? हम तो यही सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ मांगने आए हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जब भी जाते थे तो जो है यही कहते थे कि कोई जो है आपके दर्शन के लिए आया है। तो गुरुदेव ने जो इसी बात को
पकड़ लिया। और जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जाते थे क्या पूछते थे, दर्शनार्थी है क्या? शुरू शुरू में मैं ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। लेखक जो है बांग्ला सीख रहा था तो उसकी जो भाषा थी थोड़ी पुस्तकीय थी, और गुरुदेव तो बंगाल के रहने वाले थे तो उन्हें तो बहुत अच्छी जानकारी थी। तो किस तरह से वो कहते थे बंगाली में, बंगाली भाषा में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरुदेव से जब कोई मिलने आता था, किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, क्या कहते थे, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन, यानी कोई सज्जन आपके दर्शन के लिए आया है। तो इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे कहते थे बांग्ला में, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। यानी लेखक जो है एक तरीके से कहें टूटी फूटी बांग्ला में, मतलब कुछ हिंदी और कुछ बांग्ला मिला करके बोलता था। अब गुरुदेव तो जानते थे कि लेखक जो है टूटी फूटी बांग्ला में जो है, अब बंगाल में जब कोई व्यक्ति आता है तो इस तरह से नहीं कहते हैं। अब लेखक तो जो है मिला जुला कर बोल रहा है, इसी बात को जो है गुरुदेव ने पकड़ लिया। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे, क्यों कि लेखक जो है मिली जुली बांग्ला बोल रहा है, हिंदी और बांग्ला को मिला करके बोल रहा है। अब वो तो विद्वान आदमी है, अब विद्वान आदमी के सामने जो है अगर हम जो है कोई भाषा में बात करेंगे और कहीं गड़बड़ हो जाएगी तो वो तो पकड़ लेगा तुरंत। तो गुरुदेव ने जो है इस बात को पकड़ लिया, दर्शन वाली बात को, तो वो मुस्कुरा देते थे और कह देते थे कि भाई कोई दर्शनार्थी लेके आए हो क्या। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है। कई दिनों तक तो जो है लेखक को पता ही नहीं लगा गुरुदेव मुस्कुरा क्यों देते थे, लेकिन बाद में पता लगा कि जो मैं गुरुदेव के सामने जो भाषा बोलता हूँ बंगाली में जो बोलता हूँ वो क्या है, पुस्तकीय है। भाई एक तो होता है बोलचाल की भाषा, ठीक है, एक होती है पुस्तकीय। तो पुस्तकीय में तो क्या एक एक शब्द को ध्यान में रखना पड़ता है ना। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था, असमय यानी समय मान लीजिए उपयुक्त नहीं होता, हो सकता है गुरुदेव मिलना नहीं चाहते हों, किसी काम में व्यस्त हों, उस समय लेखक पहुंच जाता तो जो है गुरुदेव मुस्कुरा कर क्या कहते थे कि कोई दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। अब देखिए लेखक ने जो ये शब्द कहा है दर्शन, तो इसके पीछे भी जो है कोई ना कोई भाव छुपा हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। बिल्कुल शब्द पर गौर करें तो पुस्तक लिख सकते हैं एक शब्द पर, बहुत गहराई छुपी हुई होती है शब्दों में। तो अब देखिए उसी बात को लेखक समझा रहा है, समझने का प्रयास करें दर्शन शब्द को। यहां यह दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ, प्रगल्भ यानी जो विद्वान हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते, परवाह चिंता नहीं करते। हमारे यहाँ के दर्शनार्थी जाते हैं ना दर्शन करने देवी देवताओं के, आप भी गए होंगे तो आपने देखा होगा उनको क्या होता है वहाँ पे, धक्का मुक्की रेलम पेल, पुलिस के लट्ठ पड़ते है ना। दर्शनार्थी दर्शन के लिए जा रहे हैं है ना, और धक्का मुक्की हो रही है, क्या दर्शनार्थी ऐसा करता है क्या? भाई जिसको दर्शन करना है वो तो इंतजार करेगा,
वो धक्का मुक्की नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो लोग मंदिरों में लड़ने लग जाते हैं, मैं पहले आया हूँ, मैं दर्शन करूँगा, होता ही नहीं होता है। तो उसी बात को यहाँ लेखक जो है प्रस्तुत कर रहा है कि हमारे यहाँ के जो दर्शनार्थी ऐसे हैं कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था नवस्था कुछ नहीं देखते कि भाई हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं, यहाँ काहे की जल्दबाजी। अगर उसने जल्दबाजी कर देगी तो तुरंत बुला लेगा वो, इंतज़ार करो भाई अपनी बारी आएगी, भगवान कहीं भगे जा रहे हैं, कहीं भगे नहीं जाते। आप 10 साल बाद आओगे वो भी वहीं आपको उनके दर्शन मिलेंगे, लेकिन नहीं भाई लोग मानते ही नहीं है। और धक्का मुक्की होती रहती है, भीड़ भाड़ होती रहती है, कई तो जो है बेचारे जख्मी हो जाते हैं। और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे, मना करने के बाद भी लोग घुसे ही चले जाते हैं दर्शन करने में, दर्शनार्थी हैं। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत से रहते थे, डरे डरे से। यही कारण है क्योंकि हमारे यहाँ के दर्शनार्थी भारतीय है, हाँ कुछ नहीं देखते हैं, समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था नवस्था कुछ नहीं देखते हैं, और चाहे लड़ाई झगड़ाएं करना पड़ा दर्शन के लिए। इसलिए गुरुदेव क्या है, जब लेखक ये कहता था ना कोई दर्शनार्थी है दर्शन के लिए आया है, तो गुरुदेव इस बात से डर जाते थे भैया दर्शनार्थी, दर्शनार्थी तो जो है धक्का मुक्की करते आते, इसलिए गुरुदेव मुस्कुराते थे। क्यों, हमारे यहाँ के दर्शनार्थी में जो है अनुशासन नहीं है, किसी के दर्शन को जाते हैं तो उसके क्या नियम है नहीं जानते। सावन चल रहा है, तीर्थ यात्री जा रहे हैं, आप देख लेना कैसे जो है भगदड़ मचेगी। तो ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव डरते थे, ये थी असल बात। अस्तु, मैं इसलिए बाल बच्चों के एक दिन बाल बच्चों के साथ एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा, कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था, किन्हें गुरुदेव को। भाई कई दिनों से जो है लेखन ने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, तो कि भाई गुरुदेव जो है अब एकांत में हैं, फुर्सत में हैं, सब लोग छुट्टी पर चले गए हैं, तो मैं भी जो है अपने बीवी बच्चों को मिला लाता हूँ। तो लेखक जो है श्री निकेतन उनसे मिलने जा पहुँचा। अब लेखक ने वहाँ का जो दृश्य देखा उस दृश्य को यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या देखा लेखक ने, गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। लेखक ने कैसे पता लगाया, भाई आदमी के चेहरे से हाव भाव से पता लगा सकते हैं हम कि वो खुश है कि दुख है। अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी क्योंकि श्री निकेतन में लोगों का आना जाना नहीं लगा रहता था, दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं लगी रहती थी। शांति निकेतन में तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वो गुरुदेव के दर्शन को आते रहते थे, गुरुदेव को चिंतन मंथन का समय ही नहीं मिलता था, इसलिए वो श्री निकेतन में जाकर रहने लगे। लेखक भी गया और गुरुदेव को देखता रहा। गुरुदेव जो थे अस्तगामी सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को देख रहे थे, निहार रहे थे। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी ढलते हुए सूर्य की ओर ध्यान स्मित नैनों से देख रहे थे। ध्यान स्मित यानी उनका जो पूरा ध्यान था वो अस्त होते हुए सूर्य की तरफ था, चेहरे पे मुस्कान थी। हम
लोगों को देखकर मुस्कुराए। जब उनका ध्यान लेखक पर गया तो गुरुदेव मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, थोड़ी मस्ती है ना, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे, लेखक से हालचाल पूछे और फिर वो चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया, गुरुदेव का पालतू कुत्ता, और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। लेखक ने देखा कि उनका कुत्ता जो है वहाँ आया, गुरुदेव ने प्यार से उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरा, तो उस स्नेह के स्पर्श से वो कुत्ता आनंदित हो गया और उसने अपनी आंखें मूंद ली। हमारे आसपास भी जो है बहुत से जानवर हैं, कोई गाय पालता है, कोई खरगोश पालता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई बकरी पालता है, तो देखा होगा आपने कि जब हम प्यार से उनके सिर के ऊपर हाथ का स्पर्श करते हैं तो वह अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जैसे परमानंद की प्राप्ति उन्हें हो गई हो। ये प्रेम का स्पर्श है जिसे पशु पक्षी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक इंसान ही ऐसा है जो प्रेम की भाषा जल्दी से नहीं समझता है। आप प्यार से समझाइए किसी को, नहीं मानेगा, डंडे से समझाइए तुरंत मान जाएगा। जानवर प्यार की भाषा तुरंत समझ जाता है, प्यार से पुचकारिए, प्यार से जो है उसके शरीर पर स्पर्श कीजिए, वो आपके प्रेम की भाषा को, प्रेम के स्पर्श को समझ जाएगा। लेकिन इंसान नहीं समझता है, वो तो डंडे की भाषा समझता है। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा अपने कुत्ते से कहा, देखा तुमने यह आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहां हूं, आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अपने कुत्ते को संबोधित करते हुए कहा कि देखो ये लोग आ गए, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका परिवार, और कितना संतोष है। लेखक जो है गुरुदेव और उस कुत्ते को देखने लगे, हम लोग उस कुत्ते को देखने लगे, किसी ने उसे राह नहीं दिखाई, न यह बताया था कि उसके स्नेहदाता, स्नेहदाता कौन, गुरुदेव, स्नेहदाता स्नेह देने वाले, प्रेम देने वाले, यहां से 2 मील दूर हैं। कितना, 2 मील, 2 मील का मतलब कितना होता है, लगभग 3 किलोमीटर, 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर की दूरी। शांति निकेतन से श्री निकेतन कितना दूर है, 3 किलोमीटर, यानी ये समझ लीजिए कि भाई रेलवे स्टेशन से और जो है अपने मिर्जापुर है या अपने उदयी मोड़ है स्टेशन से, इतना दूर श्री निकेतन है। तो गुरुदेव के कुत्ते को कैसे पता लगा कि गुरुदेव वहाँ है और वो उनसे मिलने पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य, आरोग्य जो उनका काव्य संग्रह है, उसमें एक कविता लिखी थी, तो उस कविता का जो है भावार्थ यहां प्रस्तुत किया गया है। गुरुदेव ने अपने कुत्ते के ऊपर एक कविता लिखी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता
स्तब्ध होकर, स्तब्ध यानी एक जगह स्थिर, कोई हलचल नहीं, आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। गुरुदेव ने बताया अपनी कविता में कि यह जो कुत्ता है रोजाना मेरे आसन के पास में आकर बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक मैं प्यार से इसके शरीर पर स्पर्श नहीं कर दूं। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव वह उठता है, प्रसन्न हो जाता है वह कुत्ता इस वाक्यहीन प्राणी लोक में। वाक्यहीन पशुओं के पास में मनुष्य की तरह भाषा नहीं होती है, लेकिन वो जो है प्रेम की भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। दो बैलों की कथा में जो है आपने पढ़ा कि हीरा मोती के पास कोई भाषा नहीं थी, लेकिन वो समझते सब थे। पशु समझते सब हैं, लेकिन वो हमारी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, यही समझता है। और वास्तविक बात है, आज के समय में इंसान इंसान को नहीं समझ रहा है, पुत्र पिता को नहीं समझ रहा है, पिता पुत्र को नहीं समझ रहा है, माता पुत्री को नहीं समझ रही है, पुत्री माता को नहीं समझ रही है, भाई भाई को नहीं समझ रहा है। लेकिन ये जो मूक प्राणी हैं ये इंसान को अच्छी तरह से समझते हैं, उसके प्रेम के स्पर्श को अच्छी तरह से समझते हैं, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है। उस आनंद को, वो आनंद है प्रेम का आनंद। जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, अहेतुक बिना किसी कारण के, जिसकी चेतना असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, चैतन्य यानी जागृत, लोक में राह दिखा सकती है। जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है, जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, दीनता अपनी गरीबी, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है, आविष्कार किया है, खोज की है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे साझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। यानी उस कुत्ते का प्राणपण यानी पूरी तरह से वो समर्पित हो जाता है अपने मालिक के प्रति, वो उस प्रेम के स्पर्श को, उस आनंद को अच्छी तरह से समझता है। तो गुरुदेव ने उस कविता में ये कहा कि होने को तो ये पशु है लेकिन इसके अंदर मानवीय मूल्य है, ये उन मानवीय मूल्यों को अच्छी तरह समझता है, मानव मानव होकर मानवीय मूल्यों को नहीं समझता है। आज मानव पशु से भी गया बीता हो गया है, पशुओं के हिस्से का ही नहीं छोड़ रहा है। तो गुरुदेव जो है उस कुत्ते में मानवीय मूल्यों को समझ लेते हैं। इंसान नहीं समझता है, लेकिन ये जो पशु हैं ये जो है समझ लेते हैं
इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि। अब देखिए, कुत्ते की भावनाओं को गुरुदेव ने जान लिया और अपनी कविता में प्रस्तुत कर दिया। ये है मर्म भेदी दृष्टि, दिल को छू लेने वाली, दिल को भेदने वाली, दिल को स्पर्श करने वाली नजर हर किसी के पास नहीं होती है। हर किसी के मन में दया नहीं होती है, हर किसी के मन में करुणा नहीं होती है। इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता है मनुष्य। मैंने बताया ना, आज समय ऐसा है कि पिता पुत्र की भावनाओं को नहीं समझ रहा है और पुत्र पिता की भावनाओं को नहीं समझ रहा है और कहता है कि मैं श्रेष्ठ मानव हूँ। काहे का मानव है भाई? जब हम किसी के मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे हुए श्रेष्ठ? हमसे श्रेष्ठ तो फिर ये जो है मूक प्राणी हुए। तो इस प्रकार जो है गुरुदेव ने अपनी कविता में अपनी मर्म भेदी दृष्टि से कुत्ते के अंदर जो मानवीय मूल्य हैं उनको प्रकट किया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले अध्यांश के साथ में। तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।